नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, एक दिन इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत सारे देवता, ऋषि, गंधर्व उनके दरबार में उनकी प्रशंसा के गान गा रहे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्रदेव को अभिमान हो गया। वे अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगे। ठीक इसी समय देव गुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे। सबके सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, किंतु इंद्रदेव घमंड के कारण खड़े न हुए। बृहस्पति जी इसे अपना अपमान समझते हुए वहां से चले गए। अब इंद्रदेव को बहुत दुख हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सोचने लगे कि गुरु की कृपा से ही मुझे यह सब वैभव मिला है, उनके क्रोधित हो जाने से यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उन्हें इसके लिए बृहस्पति देव से क्षमा मांगनी चाहिए, जिसके साथ उनका क्रोध शांत हो जाएगा और इंद्रदेव का कल्याण होगा। इंद्रदेव उसी वक्त उनके स्थान पर गए, जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्रदेव क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, तो वह अलोप हो गए। जब इंद्रदेव ने बृहस्पति जी को उनके स्थान पर ना देखा, तो वह निराश होकर वापिस आ गए। उन दिनों इंद्रदेव के दुश्मन दैत्यराज वर्षीप्रवा थे। फिर वर्षीप्रवा ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रदेव पर आक्रमण किया। गुरु की कृपा ना होने के कारण इंद्रदेव हारने लगे। तभी इंद्रदेव ने अपना पूरा हाल जाकर ब्रह्मदेव को सुनाया और उनसे कहा, महाराज हमें किसी तरह दैत्यों से बचाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, आपने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, जो आपने अपने गुरुदेव को नाराज कर दिया। अब आपका कल्याण तभी हो सकता है अगर आप तपस्वी ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा, जो बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं, उन्हें अपना पुरोहित बना लें। इंद्रदेव के बहुत विनती करने पर तपस्वी ब्राह्मण के पुत्र उनके पुरोहित बन गए। विश्वरूपा अपने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसे यत्न किए कि देवराज इंद्र वर्षीप्रवा से युद्ध जीतकर अपने सिंहासन पर फिर विराजमान हो गए। विश्वरूपा के तीन मुख थे। एक मुख से वह सोमवली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से वह शराब पीते थे और तीसरे मुख से वह अनाज ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिन के बाद कहा, यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा से यज्ञ शुरू हो गया, तब किसी दिन किसी दैत्य ने विश्वरूपा के पास जाकर कहा, आपकी माता दैत्य की कन्या थी, इसीलिए हमारे कल्याण के लिए एक आहुति दैत्यों के नाम की भी दे दिया कीजिए। विश्वरूपा ने दैत्यों का कहना मान एक आहुति जग में दैत्यों के नाम की भी दे दी। इसी कारण देवताओं को यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ और उनके तेज में वृद्धि नहीं हुई। इंद्रदेव को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूपा के तीनों सरों को काट दिया। अपने जिस सर से वह शराब पीते थे, उससे भवरा, सोमवली का रस पीने वाले से कबूतर और अन्य ग्रहण करने वाले से तीतर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्रदेव का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के कई यत्न करने के बाद भी उन पर से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा। तभी वे ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी बृहस्पति जी देव को साथ लेकर वहां पर गए। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के चार हिस्से किए। पहला भाग उन्होंने धरती को दिया। इसी कारण धरती में गड्ढे होते हैं, बहुत सारे स्थान पर वह बीज बीजने के लायक नहीं होती। साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने ये वरदान भी दिया कि कुछ समय के बाद ये गड्ढे खुद ब खुद भर जाएंगे। दूसरा भाग उन्होंने पेड़ों को दिया कि उनका दुख गोंद के रूप में बाहर आएगा। साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि गूगल का गोंद पवित्र माना जाएगा।
पाप का तीसरा भाग उन्होंने जवान स्त्रियों को दिया, जिसके कारण वे हर महीने अशुद्ध होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं, और साथ ही साथ उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसके कारण उसके ऊपर जाला आता है, और साथ ही साथ ये वरदान भी दिया कि जल को जिस भी वस्तु में डाला जाएगा या जिस भी पदार्थ में डाला जाएगा उसका वजन बढ़ जाएगा। सो इस तरह इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। सो जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो गुरु बृहस्पति देव जी की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं, वह खूब तरक्की करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।